बीएसएनएल ने अपने उन ग्राहकों का फोपट कर दिया जो कि यहाँ पे आए थे बहुत ही उम्मीदों के साथ पोर्ट करा करके और यहाँ पे शुरू से यूज कर रहे थे बहुत ही कम कीमत में बहुत ही ज़्यादा वैलिडिटी के साथ, उन लोगों के साथ जो कि यहाँ पे बीएसएनएल ने साफ तौर पर पोपट कर दिया है उन लोगों का। तो कौन कौन से प्लान है जिसको यहाँ पे क्या हुआ है ये पूरी जानकारी मिलेगा। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा, आपका मेरा चैनल पंकज शर्मा टूडियो पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए जानते हैं कि यूट्यूब ने अपने किन किन ग्राहकों का पोपट कर दिया है। यहाँ पर जो भी ऐसे ग्राहक थे जो कि कम कीमत में काफ़ी दिनों का वैलिडिटी का जो कि आनंद ले रहे थे उन लोगों का यहाँ पर पोपट कर दिया है बीएसएनएल ने। यहाँ पे जो जो कि रिचार्ज प्लान था यहाँ पे 75 रुपये का यानी कि 75 रुपीज़ का, उस प्लान को बीएसएनएल ने बंद कर दिया है। अब यहाँ पे आपको जो कि 75 रुपये का प्लान बीएसएनएल में नहीं मिलेगा। वही एक प्लान आपको बीएसएनएल में मिल जाता था 94 रुपीज़ यानी कि 94 रुपये का, यह भी प्लान बीएसएनएल ने बंद कर दिया है। तो जो 94 रुपये का रिचार्ज करा रहे थे उनका भी पोपट हो गया है। अब यहाँ पे 106 रुपये का जो प्लान था बीएसएनएल में, इसमें आपको काफ़ी सारा वैलिडिटी मिलता था। एक वजह जो कि बोले तो यहाँ पे 106 रुपये में आपको जो कि 50 दिन की वैलिडिटी मिलता था, तो ये भी प्लान यहाँ पे बीएसएनएल ने बंद कर दिया। तो यहाँ पे 106 रुपये वालों का भी पोपट हो गया। और यहाँ पे एक प्लान आपको देखने को मिलता था 108 रुपये का, तो 108 रुपये का जो बीएसएनएल में प्लान था ये भी प्लान अब यहाँ पे बीएसएनएल से हट चुका है, तो यहाँ पे इनका भी पोपट हो गया है। तो टोटल मिला करके जो भी यहाँ पे यूजर्स थे जो कि यहाँ पे 75 रुपये का रिचार्ज कराते थे, 94 रुपये का रिचार्ज कराते थे, 106 रुपये का रिचार्ज कराते थे, 108 रुपये का रिचार्ज कराते थे बीएसएनएल में, और यहाँ पे कम जो कि कीमत में अच्छा खासा वैलिडिटी मिलता था, अपने सिम को जो कि यहाँ पे जिंदा रख सकते थे एक तरह से बोले, यानी कि अपने सिम को जो कि एक्टिव रख सकते थे इन कम कीमतों में, उन लोगों को अब जो कि ज़्यादा पैसा दे करके अपने जो कि सिम को यहाँ पे चालू रखना होगा। तो जो भी इतना प्लान में से जो भी प्लान यहाँ पे जो कि रिचार्ज कराते थे उन सबका यहाँ पे पोपट हो चुका है। और उन लोगों का खास करके पोपट हुआ है जो कि अगर दूसरे कंपनी को छोड़ करके यहाँ पे बीएसएनएल में आए हैं और यहाँ पे जो कि कम कीमत में ज़्यादा वैलिडिटी के चक्कर में, तो उनका तो पोपट हो ही गया है। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल के एक अच्छे प्लान के बारे में जो कि यहाँ पे लेकर के आया है 666 रुपये यानी कि 666 रुपीज़ का एक बीएसएनएल में आपको प्लान देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा मिल जाएगा जो लोकल एसटीडी आप कहीं भी कर सकते हैं। एसएमएस की बात करें तो आपको यहाँ पे 100 SMS प्रतिदिन मिल जाते हैं। अगर यहाँ पे डाटा की बात करें तो आपको यहाँ पे 2 GB प्रतिदिन डाटा मिल जाता है। 2 GB प्रतिदिन जो डाटा मिलता है उसकी अगर आप खपत कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे जो कि 40 KBPS के स्पीड में डाटा यूज़ करने को मिल जाता है। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इसकी वैलिडिटी के, तो यहाँ पे अगर आप 666 रुपये का रिचार्ज कराते हैं तो आपको यहाँ पे टोटल 110 दिन की वैलिडिटी मिल जाता है। बस ये छोटी सी जानकारी आपके साथ शेयर करना था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। फिर मिलते हैं ऐसे नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।